तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी लोग अपना पीएफ बैलेंस चेक करने के साथ ही आप सभी लोग ये भी जानेंगे कि आपके तनख्वाह से कितना पैसा हर मंथ कट करके आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है और साथ में कंपनी के द्वारा कितना पैसा आप सभी लोगों को हर मंथ आपके पीएफ अकाउंट में जमा करवाया जाता है और साथ में आप सभी लोगों को हर मंथ कितना पेंशन दिया जाता है। उन सभी चीज़ों का आप सभी लोग इस वीडियो में जानकारी पाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपना पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आप सभी लोगों को इस पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस पोर्टल पर आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं। इस पोर्टल पर आने के बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर एक लॉगिन पेज दिखाई देगा, जिसमें आप यहाँ पर अपना यूएन नंबर डालेंगे। उसके बाद में आप यहां पर अपना पासवर्ड डालेंगे। अगर आप सभी लोगों को यूएन नंबर नहीं पता है तो उसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाकर के देख लेंगे। उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपना यूएन नंबर निकाल करके अपना आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर अपना यूएन नंबर डालेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद में आप सभी लोगों को जो यहाँ पर कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है उसको सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके उसके बाद में आप साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपका ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप यहां पर देख पाएंगे कि आपका यहां पर टोटल अवेलेबल बैलेंस दिखा दिया जा रहा है। जो आपके टोटल पीएफ अकाउंट में पैसा होगा वो आप यहां पर देख पाएंगे। इसमें आपका एम्प्लॉय शेयर भी होता है, जो आपके तनख्वाह से कट करके आपके पीएफ अकाउंट में जमा करवाया जाता है, वो आपका यहां पर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद में आपके कंपनी द्वारा जो पैसा जमा करवाया जाता है वो आपको यहां पर दिखा दिया जाएगा। अब इसको आप अगर मेंबर वाइज बैलेंस देखना चाहते हैं तो आप यहां पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर आपके कंपनी का मेंबर आईडी दिखा दिया जाएगा, उसके बाद में टोटल अवेलेबल बैलेंस दिखा दिया जाएगा। तो इससे आप कन्फर्म कर सकते हैं कि किस कंपनी से, किस मेंबर आईडी से हमारा टोटल बैलेंस कितना है। उसके बाद में अगर यहाँ पर आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पासबुक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेलेक्ट मेंबर आईडी का, जिसमें आप यहां पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके अपना मेंबर आईडी चेंज कर सकते हैं। यदि आप एक से अधिक कंपनियों में जॉब किए हैं तो हर एक कंपनी का अलग अलग मेंबर आईडी होता है, जो कि आप यहां पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके उसको आप चेंज कर पाएंगे। जैसे ही आप यहां पर मेंबर आईडी चेंज करेंगे तो उसी का आप सभी लोगों को यहां पर नीचे पासबुक ओवरव्यू दिखा दिया जाएगा आपके मेंबर आईडी के साथ में, जिसका आप यहां पर नीचे टोटल बैलेंस वगैरह देख पाएंगे। जो भी आप यहां पर मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे उसका आप यहां पर टोटल बैलेंस देख पाएंगे। उसके बाद में आप सभी लोगों को यहां पर एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा दिया जाएगा। जो भी आपके तनख्वाह से आपका पैसा कट करके आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया गया है वो आप यहां पर देख पाएंगे। उसके बाद में आपके कंपनी के द्वारा जो भी आपका पैसा जमा करवाया गया है आपके पीएफ अकाउंट में वो आप यहां पर देख पाएंगे। उसके बाद में आप सभी लोगों को कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना आप सभी लोगों को ब्याज मिला है वो आप यहां पर देख पाएंगे। पूरा डिटेल आप यहां पर देखने के बाद में इसको आप स्क्रॉल करेंगे और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे कि आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप सभी लोगों को डेटा दिखा दिया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने 2016 सेलेक्ट किया है, उसके बाद में आप यहाँ पर मेंबर आईडी अपना देख पाएंगे जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर कई सारे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको मैं इजीली समझा दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। यहाँ पर जो आपको पहला कॉलम दिखाई दे रहा है ये आपके तनख्वाह लेने की मंथ की आप सभी लोगों को कॉलम दिखाई दे रही है, जिस मंथ में आपने तनख्वाह उठाया हुआ है। उसके बाद में आप सभी लोग यहाँ पर दूसरा कॉलम जो देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन डेट का, ये आपके इस मंथ के तनख्वाह को काट करके पीएफ अकाउंट में जो जमा करवाया गया है वो आप यहां पर डेट देख पाएंगे। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं अप्रैल 2016 का आप सभी लोगों का पीएफ में जो पैसा कट करके जमा हुआ है वो 14/5/2016 में जमा हुआ है। आप उसके बाद में आप यहां पर देख पाएंगे ट्रांजेक्शन टाइप क्रेडिट देख पाएंगे। उसके बाद में आप यहां पर पार्टिकुलर्स आप इसका डिस्क्रिप्शन देख पाएंगे, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा वो आप यहां पर देख पाएंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी यहां पर आ रही है उसको मैं आप सभी लोगों को समझा दे रहा हूं। ये आप यहां पर देख पा रहे हैं ईपीएफ अमाउंट। ईपीएफ अमाउंट जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये बेसिकली आपकी सैलरी होती है, जो आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अप्रैल मंथ में जो आपने तनख्वाह उठाया होगा वो आप सभी लोगों को यहां पर दिखाई देगा। इसी तरीके से आपका हर एक मंथ का अलग अलग होता है, जो भी मंथ में आपने जितना सैलरी उठाया होगा उसी तरीके से आपको यहां पर तनख्वाह आपका दिखा दिया जाएगा। देन उसके बाद में जो आप ये देख पा रहे हैं एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड होता है इसका मतलब। देन उसके बाद में आपको जो यहां पर दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ईपीएस का,
ये भी एक तरीके से आप सभी लोगों को यही सेम अमाउंट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ईपीएस का एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब इसमें जो मेन बात आती है उसको मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं। जो आप यहां पर एम्प्लॉय शेयर देख पा रहे हैं, ये आपके तनख्वाह का, जो आपका तनख्वाह होता है, उसका 12% पैसा आप सभी लोगों के पीएफ अकाउंट में जाता है डिडक्ट होकर के। जो आपका तनख्वाह हर मंथ होगा उसी के हिसाब से 12% आपका कट होकर के आपके पीएफ अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। जो कि आप देख पा रहे हैं तनख्वाह आपका हर मंथ का अलग अलग है, अगर आपका सेम होगा तो सेम अमाउंट आपको यहां पर 12% डिडक्ट होता दिखाई दे जाएगा। लेकिन यहां पर अलग अलग अमाउंट है, इसी तरीके से आप सभी लोगों को अलग अलग आप सभी लोगों को यहां पर एम्प्लॉय शेयर दिख रहा है जो कि 12% के हिसाब से है। उसके बाद में आप यहां पर यहां देख पाएंगे कि आपको एम्प्लॉयर शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब आपकी कंपनी ने आपको कितना पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा करवाया है। तो आपके ईपीएफ अमाउंट का आप सभी लोगों को 3.67% आप सभी लोगों को यहां पर पेमेंट कंपनी के द्वारा जमा करवाया जाता है। जो आपका तनख्वाह होता है उसी का 3.67% आप सभी लोगों को यहां पर पेमेंट आप सभी लोगों को हर मंथ दिया जाता है। उसके बाद में आप सभी लोगों को यहां पर देख पाएंगे पेंशन शेयर जो आपका होता है वो आपको 8.33% मिलता है। जो आपका तनख्वाह होता है उसी का आप सभी लोगों को 8.33% आप सभी लोगों को यहां पर पेमेंट दिया जाता है, जिसका आप टोटल नीचे आकर के आप सभी लोग पूरा डिटेल देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना पीएफ बैलेंस इजीली चेक कर सकते हैं और पूरा डिटेल में आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा आप सभी लोगों को आपके अकाउंट में मिलता है आपके कंपनी के तरफ से, और आपका कितना पैसा जमा होता है और आपको पेंशन कितना मिलता है। उसका अगर आप सभी लोग पूरा डिटेल आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर डाउनलोड एज पीडीएफ पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।